इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, देखिए 7.1 का 7.1 का समाकलन का है, इंटीग्रेशन का 11वां क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड है, x² का भाग इन तीनों में होगा जस्ट सेम, तो क्या आ जाएगा x³ / प्लस 5x² / माइनस 4/x². अब बाहर क्या लगा आपका dx, हमने जस्ट लिख दिया। अब यक्स ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, या कैंसिल होगा, ऊपर कितनी बार बचेगा आपका, एक बार x बचेगा, x² से x² कैंसिल, अब क्या बचा इंटीग्रल ऑफ, इधर 1 बचा है प्लस क्या बचा है 5 बचा है, नहीं 1 नहीं बचा, यहाँ पर क्या था x था, तो x प्लस 5 माइनस 4। अब आपका x² है ना, x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x^-2, यानी चिन्ह विपरीत हो जाएगा, नीचे प्लस है x², ऊपर जाएगा तो -x² हो जाएगा। अब क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ x, सब में आपका इंटीग्रल लग जाएगा, x में भी 5 में भी -4x² - 2 में भी, x इंटू क्या जाएगा dx प्लस 5, इसमें भी क्या लग जाएगा आपका dx माइनस 4, इसमें भी क्या लग जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ dx। अब पावर कुछ नहीं होता तो पावर 1 होता है, तो क्या आएगा इंटीग्रल समाकलन होगा तो पावर 1 में है 1 ऐड हो जाएगा, और वही जस्ट सेम टू सेम नीचे भी आ जाता है, प्लस 5 dx का क्या केवल आएगा x आएगा -4, लिखा है संख्या में तो होगा नहीं, x^-2 है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, जब भी किसी का समाकलन होता है घात में जितना रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और वही घात वाला जस्ट नीचे भी लिख देते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू सी आ जाती है। x^1 क्या हो जाएगा 2/1 प्लस क्या हो जाएगा 5x - 4, x^-2 + 1 मिल के आएगा -1 घटेगा, और नीचे -2 + 1 क्या आएगा -1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू सी है, आ जाएगा x² / 2 प्लस 5x माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, x^-1 है नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, घात 1 लिखे हैं ना लिखे हैं, प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन है।